ईडी ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कथित संबंधों वाले हरियाणा के कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू की 17.82 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, बैंक बैलेंस और चीकू के परिवार के सदस्यों की जमीन शामिल हैं, जो हरियाणा के नारनौल और राजस्थान के जयपुर में फैली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर चीकू को पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा समय में वो तिहाड़ जेल में बंद है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चीकू अपने सहयोगियों के माध्यम से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम की आय का प्रबंधन कर रहा था। वो गलत कमाई से अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसे खनन, शराब और टोल प्लाजा जैसे कई व्यवसायों में अपराध की आय का निवेश करते हुए भी पाया गया था। सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू के साथ उसके बहनोई विकास कुमार पर भी हरियाणा पुलिस ने अपहरण, हत्या और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। ईडी की जांच में उसके फर्जी कंपनियों के जरिए खनन कारोबार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। उसे और उसके बहनोई को क्षेत्र के कारोबारियों से जबरन वसूली करते हुए भी पाया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि खनन व्यवसायों से उगाही अपराध की आय कानूनी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अर्जित की गई, सामान्य अर्थव्यवस्था में प्रवाहित की गई और अचल संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत उपभोग के लिए इस्तेमाल की गई है। ईडी ने अपराध की आय का पता लगाने के लिए हरियाणा और राजस्थान में एक दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर छापे मारे, जिसमें संपत्ति के कागजात, नकदी बही खाता और बाकी कई हानिकारक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।